दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और इंडियन ज्योग्राफी का आज हम लोग 47वां लेक्चर कवर करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत ही खास टॉपिक के साथ हम लोग जुड़ गए हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा विश्व एवं भारत में अभ्रक की स्थिति के बारे में, तांबा की स्थिति हो गई, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, हीरा, जिप्सम, ग्रेफाइट, इन सभी चीजों के बारे में बातचीत किया जाएगा। एक एक चीज के बारे में दोस्तों डिटेल से मैं आपको पढ़ाऊंगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि काफी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है और सबसे चैप्टर ही माना जाता है हमारे इंडियन ज्योग्राफी में, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं मिनरल रिसोर्स, देखिए दो चैप्टर है आपका, एक है मिनरल रिसोर्स, दूसरा है एनर्जी रिसोर्स, ठीक है, यानी एक में खनिज संसाधनों के बारे में पढ़ाया जाता है और दूसरा इससे हटकर है उसमें एनर्जी रिसोर्सेस के बारे में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक गैस के बारे में, डीजल, पेट्रोल, इन सभी, और कोयला वगैरह हो गया, ठीक है, उन सभी तथ्यों के बारे में ध्यान दिया जाएगा। चलिए आज देखते हैं, आज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर देने जा रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे खनिज यहां पर है जिनके बारे में आज आपको जानना है, ठीक है। एक बात और याद रखेगा, प्ले स्टोर पे हमारा एप्लीकेशन भी आ चुका है, तो अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसके माध्यम से आपकी तैयारी और भी बेहतर हो पाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं अभ्रक की। अभ्रक को इंग्लिश में माइका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइका। अभ्रक को माइका कहा जाता है। अच्छा, अभ्रक के बारे में दोस्तों आप सभी जानते क्या हो, बस खाली इतना ना कि अभ्रक के उत्पादन में भारत एकाधिकार रखता है। दुनिया में सबसे ज्यादा अभ्रक का उत्पादन भारत करता है, इसलिए अभ्रक के उत्पादन में भारत की मोनोपोली है। मोनोपोली मतलब एकाधिकार। क्यों? पूरे दुनिया में जितने अभ्रक है ना, उसका 80% का उत्पादन सिर्फ भारत करता है, और भारत में भी सबसे ज्यादा अभ्रक का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। इतनी बात जो है आप जानते हो, लेकिन आज आपको उतना नहीं जानना, आपको बहुत सारी बातें याद रखना है, वो सभी बातें यहां पर लिखी हुई। चलिए आइए स्टडी करते हैं और आराम से इन सब तथ्यों पर ध्यान देते हैं। लिख रहा अभ्रक एक हल्का खनिज है, हल्का और भारी, ठीक है। तो याद रखेगा अभ्रक क्या है, एक हल्का खनिज है। यह अभ्रक आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। आग्नेय मतलब आग्नेय माने वह चट्टानें जो पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी हुई हैं, वो आग्नेय चट्टानें कही जाती हैं। भाई पृथ्वी के अंदर का मैग्मा निकल जब ठंडा होता है तो वही आग्नेय चट्टान का रूप धारण करता है। आप जाके चट्टान वाला वीडियो देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो याद रखेगा। दूसरा है कायांतरित। कायांतरित को ही रूपांतरित चट्टान का भी नाम दिया जाता है। भाई आग्नेय, औसादी और कायांतरित, तो याद रखिए आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में परतों के रूप में क्या पाया जाता है, यह अभ्रक पाया जाता है। परत दर परत होता है, परतों के रूप में पाया जाता है। लिख रहा है साधारणतः यह अभ्रक छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में मिलता है, लेकिन कई बार इसके अपवाद भी देखने को मिले। लगभग 3 से 4 मीटर बड़े भी अभ्रक के परत देखे गए। नॉर्मली क्या होता है, छोटे छोटे होते हैं लेकिन कभी कभार बड़े भी मिल जाते हैं। लिख रहा है सफेद अभ्रक के टुकड़े को क्या कहा जाता है, पेगमेटाइट नाम दिया जाता है। जो सफेद अभ्रक होता है ना, अभ्रक में भी कई तरह के अभ्रक होते हैं, सफेद अभ्रक क्या, काला अभ्रक हो गया, आपका गुलाबी अभ्रक हो गया, तो अलग अलग नाम है। तो याद रखिए जो सफेद अभ्रक है ना, उसको क्या बोलते हैं, पेगमेटाइट बोलते हैं। कहा यह आग्नेय चट्टानों में ही पाया जाता है। इसके अलावा इसे और क्या नाम से जानते हैं, आम बोलचाल की भाषा में हम इसे रूबी अभ्रक का नाम देते हैं, ठीक है। पेगमेटाइट अभ्रक को क्या नाम दिया जाता है, रूबी अभ्रक का नाम दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रूबी पत्थर सुना ना आपने, वो रूबी अभ्रक ही होता है, तो रूबी अभ्रक, या फिर इसको मास्कोविट अभ्रक भी कहा जाता है। तो तीन तीन नाम हो गए, एक तो सफेद अभ्रक, चार नाम हो गए, सफेद अभ्रक, आपका रूबी अभ्रक, आपका पेगमेटाइट, और लास्ट में क्या होगा, मॉस्कोविट, ठीक है, मास्कोविट, मास्कोविट अभ्रक। इसको याद रखेगा, ये अभ्रक के एक ही अभ्रक का नाम है। दूसरा देख रहा है यहां पर कि अच्छा गुलाबी अभ्रक को क्या कहा जाता है दोस्तों, अच्छा सबसे उत्तम किस्म का यह अभ्रक होता है। गुलाबी अभ्रक को याद रखेगा, बायोटाइट अभ्रक भी नाम कहा दिया जाता है, ठीक है, बायोटाइट, ठीक है, गुलाबी वाले को। लिख रहा अभ्रक अपनी लचक के लिए, अपनी पारदर्शिता के लिए और बिजली एवं उष्मा के कुचालक होने के कारण जाना जाता है। याद रखिए सुचालक नहीं है, क्या है, कुचालक है, यानी इससे होकर के बिजली प्रवाहित नहीं हो सकती, इससे होकर के उष्मा आर पार नहीं कर सकता, तो इसी वजह से चर्चा में रहता है। चर्चा में भी मतलब कई जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बिजली के बहुत सारे उपकरण बनाए जाते हैं, बहुत सारे यंत्र होते हैं, उन यंत्रों में अभ्रक का इस्तेमाल किया जाता है। भाई अगर हर जैसे अब क्या हुआ ना, मान लीजिए आपने स्विच क्या कर दिया, लोहे का बना दिया, भाई अगर थोड़ा सा भी करंट आ जाएगा तब तो आपको करंट लग सकता है। ऐसे में स्विच किस चीज का बनाया जाता है, किसी भी ऐसे पदार्थ का बना होता है जो किसका
कुचालक हो जो विद्युत और उष्मा का क्या हो, कुचालक हो, ठीक है, खास करके विद्युत का कुचालक हो। तो याद रखिए जो अभ्रक है ये विद्युत और उष्मा दोनों का कुचालक होता है। तो लिख रहा है कि इन यंत्रों को बनाने में, तार वगैरह को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जहां से तार के ऊपर जो कोटेशन होता है उसमें हो गया, कंप्यूटर में, वायुयान में, इन सभी चीजों में इस अभ्रक का इस्तेमाल किया जाता है। आम बोलचाल की भाषा में बताएं तो लिख रहा है इसके अतिरिक्त लालटेन की जो चिमनी होती है ना, चिमनी माने जानते हैं, चिमनी माने लालटेन का जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा भाई क्या है, लालटेन जब जलती है तो इसका लौ ऊपर की तरफ होता है, तो जो लालटेन का ऊपरी हिस्सा वो सबसे ज्यादा गर्म होगा। अब अगर वो गर्म होगा तो व्यक्ति उसको पकड़ने अगर जाएगा तो जल सकता है, ऐसे में उसके ऊपरी चिमनी को किसका बनाया जाता है, अभ्रक का बनाया जाता है। लेकिन आंखों के लिए जो चश्मे बनाए जाते हैं, कई बार चश्मे भी अभ्रक के बने होते हैं, मकानों में जो खिड़कियां लगी होती हैं वो भी कई बार अभ्रक को देखने की मिलती हैं, और उच्च ताप में काम आने वाली भट्टियां जो होती हैं वहां पर भी कई बार अभ्रक का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा थोड़ी बहुत बात, ठीक है। करें इसके चूरे से क्या बनाया जा सकता है, परत बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, इसके चूरे से क्या बनाया जाता है, याद रखिए परत दर पर मतलब मिला करके, स्प्रिट एक पदार्थ होता है उसमें मिला करके एक परत मतलब बोले तो क्या बनाया जाता है, अरे घर के सामने क्या लगा होता है, छज्जा नहीं नहीं नहीं, चादर, ठीक है, चादर, एक चादर बना सकते हैं परत दर परत, ठीक है, मिला करके चादर बनाई जाती है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अच्छा ध्यान दीजिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि विश्व में अभ्रक का जितना उत्पादन होता है उसका 80% उत्पादन अकेले भारत करता है, इसका मतलब भारत का एकाधिकार है अभ्रक में, ठीक है, और इसलिए अभ्रक से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिए। करा भारत में, अच्छा खूब एकाधिकार तो हो गया, लेकिन अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत में अभ्रक का जो वितरण है वो भी असमान है, ऐसा नहीं कि पूरे भारत में हर जगह अभ्रक ही अभ्रक है, नहीं ऐसा नहीं है, तो अभ्रक का वितरण भी क्या है, असमान है। जितना अभ्रक है सारे में से अगर देखा जाए तो ज्यादातर अभ्रक आपको 3-4 स्टेट में मिल जाएगा, एक तो आंध्र प्रदेश, दूसरा आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ था तेलंगाना 2014 में, और झारखंड और राजस्थान, यही 4 स्टेट है जहां अभ्रक का भंडार है। क्या क्या मैंने बताया, आंध्र प्रदेश, वैसे नंबर वन स्थान आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश और उसी से अलग हुआ तेलंगाना, और आपका क्या हो गया, राजस्थान और झारखंड, ये 4 स्टेट हैं जो अभ्रक का उत्पादन सबसे ज्यादा मात्रा में करते हैं। चलिए देख लेते हैं कि एक क्षेत्र के बारे में, लिख रहा है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, कर अभ्रक के उत्पादन की दृष्टि से आंध्र प्रदेश का भारत में पहला स्थान है, पहले तो इसको याद रखेगा। आंध्र प्रदेश में दोस्तों अभ्रक की पेटी है नेल्लौर की पेटी, क्या है, नेल्लौर, जिस तरह से हमने सेलम देखा कहां पर, तमिलनाडु के पास में बड़ा फेमस जगह है, ठीक है, वहां पर लौह अयस्क की बहुत सारी पेटियां हैं, ठीक है, उसी तरह से याद रखेगा नेल्लौर जो यहां पर दे रहा है, यहां पर अभ्रक की पेटी है नेल्लौर, ठीक है। करा यहां से आपने बेल्लारी का नाम भी सुना था ना, कर्नाटक में बेल्लारी, बेल्लारी जो बेल्ट है बहुत खास बेल्ट है, ये हॉटस्पॉट माना जाता है कर्नाटक में लौह अयस्क के खादानों का, उसी तरह से यहां पर अभ्रक की जो खादाने हैं वो खास करके नेल्लौर जिलों में है, यहीं पर पूरी पेटी फेमस है। करा यहां पर 97 किलोमीटर लंबी तथा 25 से 30 किलोमीटर चौड़ी पेटी फैली हुई है, यहां से निकलने वाला अभ्रक हल्का हरे रंग का होता है, जबकि पूरे भारत में सबसे घटिया किस्म का अगर अभ्रक की बात करें वो बिहार में मिलता है, सबसे बढ़िया किस्म की अभ्रक की बात करें तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान में मिलता है, दोनों तथ्य आप याद रखिएगा, ठीक है। करा नेल्लौर के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में, आप मैं तेलंगाना की बात करूं तो कृष्णा नदी का जो क्षेत्र है और विशाखापट्टनम जो है, अनंतपुर है, खम्मम है, गुंटूर है, पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी है, ये सभी जिले क्या है, प्रसिद्ध है अभ्रक उत्पादन के लिए, प्रसिद्ध जिले हैं, इनको आप याद रखिएगा। बगल में विशाखापट्टनम आपका बंदरगाह है, वहीं से क्या कर दिया जाता है, अभ्रक का एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। चलिए आगे आते हैं, बात आती राजस्थान की, भाई राजस्थान में भी याद रखिएगा अभ्रक का उत्पादन खूब होता है। लिख रहा राजस्थान की मुख्य अभ्रक पेटी ये जयपुर से लेकर के उदयपुर तक फैली हुई है। जयपुर जो है वो राजस्थान की राजधानी है, जबकि उदयपुर को क्या कहा जाता है, झीलों का शहर कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिए बड़ा प्यारा शहर है जयपुर, उदयपुर, ठीक है, दोनों ही अच्छे हैं, तो याद रखिएगा ये जयपुर से लेकर उदयपुर तक अभ्रक की पेटी फैली हुई है, लगभग 322 किलोमीटर लंबी और 96 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। मुख्य उत्पादक जिले की बात कर दें तो राजस्थान में भीलवाड़ा जिला है, जयपुर है, उदयपुर है, सीकर है, अजमेर है, डूंगरपुर है, टोंक है, ये सभी आप याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अच्छा, पूरे राजस्थान की बात कर लें तो लगभग 40% अभ्रक जो है वो रूबी अभ्रक प्राप्त किया जाता है। रूबी अभ्रक अभ्रक हम लोगों को पढ़ा था ना, मास्कोविट। रूबी अभ्रक को क्या कहा जाता है? मास्कोविट, ठीक है, या सफेद अभ्रक, तो उसको आप ध्यान रखेगा। जबकि दक्षिण भारत में जो आंध्र प्रदेश है वहां हरा अभ्रक पाया जाता है, तो सफेद वाला राजस्थान में, हरा वाला आंध्र प्रदेश में। आगे लिख रहा बिहार और झारखंड। भाई बिहार से अलग हुआ था झारखंड, हाँ झारखंड में है कि झारखंड में अभ्रक ज्यादा पाया जाता है। अच्छा, कह रहा यहां पर जो पेटी है वो बिहार के गया से शुरू होकर, गया क्या है, जहां पर बोध गया है, ठीक है, जहां पर भगवान बुद्ध को सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, करा उस गया जिले से लेकर के झारखंड के हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह जिलों से होती हुई बिहार के भागलपुर तक। भागलपुर में याद रखिए कोसी नदी आकर गंगा से मिलती है, भागलपुर में, ठीक है, तो याद रखिए यहां पर भागलपुर तक जो है यह पेटी फैली हुई है, ठीक है, बिहार और झारखंड मतलब पूरा मिला के पेटी फैली हुई है। करा हजारीबाग झारखंड का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक जिला है, जबकि अगर मैं बिहार की बात करूं तो याद रखेगा जो गया है वो बिहार का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक जिला है, तो दोनों को याद रखेगा, परीक्षा में दोनों पूछा जाता है, ठीक है। करा अन्य उत्पादन में देख लीजिए, जैसे तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली हो गया, कोयम्बटूर हो गया, मदुरई हो गया, मदुरई में मीनाक्षी मंदिर बड़ा फेमस है, याद रखेगा। इसी तरह से सेलम हो गया तमिलनाडु में, याद रखे तमिलनाडु के सेलम में लौह इस्पात का कारखाना है, और छत्तीसगढ़ का बस्तर हो गया, सरगुजा हो गया, मध्य प्रदेश का बालाघाट हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, पश्चिम बंगाल का मिदनापुर हो गया, बांका हो गया, ये सभी वो स्थान है जहां पर अभ्रक पाया जाता है। याद रहेगा कि आपको, अगर आप इतनी बातें याद रखते हो तो बेशक आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलो अगले खनिज पर आते हैं। अगला खनिज है तांबा। तांबा यानी कॉपर। कॉपर के बारे में आप सभी जानते होंगे, कॉपर ही सबसे पहला ऐसा धातु था जिसको व्यक्ति ने पहचाना और सबसे पहले जीवन में उपयोग भी किया। सबसे पहले लोहा वगैरह तब तक पता नहीं चला था, सबसे पहले तांबे का पता चला था। इसीलिए आप हिस्ट्री जब पढ़ते हो तो उसमें ताम्र पाषाण काल के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, तो याद रखिएगा वो यही तांबा है। तो वही देखिए चर्चा यहां से वहीं से शुरू कर रहा हूं। कह रहा मानव ने तांबे का प्रयोग लोहे से पहले शुरू किया था, चीरकाल से यानी प्राचीन काल से ही इसका प्रयोग किसके लिए, बर्तन बनाने के लिए, औजारों में, सिक्के बनाने के लिए, तमाम कार्यों में इन तांबे का इस्तेमाल किया जाता है। आज भी तांबे के सिक्के तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन आज भी तांबे के बर्तन आते हैं, ठीक है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। कह रहा बिजली का चालक। आपको पता है दोस्तों, बिजली के सुचालकता की अगर बात करूं तो सबसे बढ़िया सुचालक माना जाता है चांदी, लेकिन क्योंकि चांदी बड़ा महंगा है तो ऐसे में चांदी का इस्तेमाल बिजली के वायर बनाने में नहीं किया जा सकता, तो हमारे पास दूसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है तांबा। इसीलिए दोस्तों ज्यादातर जो बिजली के आइटम हैं, ठीक है, जो भी यंत्र हैं, उपकरण हैं, वो ज्यादातर किसके बने होते हैं, तांबे के बने होते हैं। तो लिख रहा है बिजली का चालक होने के कारण इसका अधिकतम उपयोग बिजली के उपकरण और तार बनाने में किया जाता है। करा भारत में जो तांबा है ना, यह धारवाड़ और कुडप्पा युग की प्राचीन रवेदार संरचनाओं में पाया जाता है। जैसे हमने अभ्रक के बारे में पढ़ा कि आग्नेय और कायान यानी रूपांतरित शैलों में परत के रूप में पाया जाता है, तो वही तरह से यहां लिख रहा है कि धारवाड़ और कुडप्पा क्रम आपने सुना होगा, चट्टानी क्रम, वैसे धारवाड़ क्रम सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे धनी माना जाता है। क्यों? यहां पर सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं, तो धारवाड़ और कुडप्पा। कुडप्पा दोस्तों वैसे फेमस है किसके लिए, किसके लिए, कुडप्पा याद रखिए चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, इन सबके लिए बड़ा फेमस है, लेकिन फिर भी कुडप्पा में भी सैल क्रम में भी तांबे पाए जाते हैं, तांबे का खान पाया जाता है। लेकिन भारत में तांबा जो है वो झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, राजस्थान का तांबा बड़ा फेमस है, ठीक है, बहुत फेमस है, अभी बताता हूं आपको। करा तांबे के भंडार में राजस्थान की बात करें तो अजमेर है। अजमेर में दोस्तों आपको याद है मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, क्या है, मुइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, याद रखे मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था, मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है, अजमेर शरीफ में है। अरे अकबर जब अपने पुत्र की इच्छा की प्राप्ति किया था ना, तो अपने गुरु सलीम से मिल करके आशीर्वाद लेकर के कहां गया था, पैदल चल के आगरा से पैदल चल के अजमेर गया था, ठीक है, तो याद रखिएगा। और बाकी अलवर का नाम सुना होगा, अलवर भी राजस्थान में है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, डूंगरपुर है, जयपुर है, पाली है, सीकर है, सिरोही है, उदयपुर है, इन सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में तांबे के भंडार पाए गए हैं। और यही
राजस्थान में एक जिला है झुंझुनू जिला, ठीक है। झुंझुनू जिला में खेतड़ी का नाम सुना होगा, खेतड़ी। खेतड़ी सबसे बेहतरीन क्वालिटी का तांबा की जो खान है वो खेतड़ी मानी जाती। कई बार परीक्षा में प्रश्न भी आता खेतड़ी कहां पर है, तो याद रखेगा खेतड़ी है राजस्थान में। कह रहा खेतड़ी सिंघाना पेटी, ये पूरा का पूरा एक पेटी ही है, कॉपर का पेटी है, ठीक है। उसी तरह से कह रहा मध्य प्रदेश में मुख्य तांबा भंडार बालाघाट और बैतूल, बैतूल जिले में पाया जाता है, तो इसको भी आप याद रखेगा। कह रहा भारत में तांबे का उत्पादन मांग से काफी कम है, यानी जितना डिमांड है ना उससे कम प्रोडक्शन होता है, ठीक है। यही रीजन है कि ज्यादातर जो तांबा है उसको निर्यात करने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे भाई अपने देश में पूरा नहीं हो पा रहा था, हम एक्सपोर्ट कहां से करेंगे। अब जैसे अभ्रक है, अभ्रक भाई पूरे दुनिया में जितना अभ्रक होता है केवल 80% खाली भारत पैदा करता है, तो जाहिर सी बात है भारत इसको क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। उसी तरह से तांबे में जब हमारी प्रोडक्शन कम है तो हम आयात करते हैं यानी इंपोर्ट करते हैं, यानी दूसरे देशों से हमें तांबा खरीदने की जरूरत पड़ जाती है। तो यहां पर लिख रहा है करा भारत बड़ी मात्रा में तांबे का आयात करता है। करा भारत मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जिम्बाब्वे, जापान, मैक्सिको आदि से तांबे का आयात करता है, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे पढ़ते दोस्तों, करा सीसा, सीसा के बारे में जान लीजिए। सीसा को देखो लेड बोला जाता है, लेड, ठीक है, लेड। करा कि सीसा मुख्यतः गैलेना नामक एस से प्राप्त किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए, परीक्षा में बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, पॉइंट याद रखेगा। पूछता है सीधा फीधा कि सीसा किस एस से प्राप्त किया जाता है, तो क्या बताएंगे, गैलेना नामक एस से प्राप्त किया जाता है। करे प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। इसके अलावा यह प्री कैम्ब्रियन और विंध्य शैलों में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। प्री कैम्ब्रियन की चट्टानों में और विंध्य क्रम की चट्टानों में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। राजस्थान की बात करें तो याद रखिए सीसा और जस्ता, कैसे याद रखेंगे भाई, राजस्थान में रेगिस्तान है और रेगिस्तान में रेत सीसे की तरह दिखता है, चमकता है, तो याद रखिए राजस्थान सीसा और जस्ता में नंबर वन स्थान रखता है पूरे भारत में। नंबर एक स्थान पर कौन है, राजस्थान। किसमें, सीसा और जस्ता दोनों में, तो याद रखिएगा, लिख रहा है सीसा एवं जस्ता में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, राजस्थान है। जिस तरह से आंध्र प्रदेश किसमें था, अभ्रक में था, ठीक है, उसी तरह से लिख रहा है सीसा उत्पादन हेतु हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भी कहां पर है, राजस्थान में स्थित है, ठीक है, जो राजस्थान के जावर क्षेत्र में स्थित है। कर राजस्थान में जावर, जावर क्षेत्र कहां पड़ता है, राजस्थान के उदयपुर में। उसी तरह से अगूचा पड़ता है कहां पर है, भीलवाड़ा में, और रामपुरा ये सबसे फेमस जगह है जहां पर ये लेड पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में बस्तर हो गया, रायपुर हो गया, दुर्ग हो गया और दंतेवाड़ा हो गया, ये जगह फेमस है किसके लिए, सीसा के लिए। सीसा के लिए ही दो राज्य फेमस है, तो आप याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं, लगे हाथ हम लोग जिंक यानी जस्ता के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए जिंक यानी जस्ता, एटॉमिक नंबर देखेंगे तो 30 आता है, ठीक है। केमिस्ट्री भी आजकल चल रही है और शायद यही वाली टॉपिक वहां भी मैच कर रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे पीछे एक दो दिन के डिले में चल रहा है, उसको आप ध्यान देते चलिए। करा राजस्थान का जस्ता उत्पादन एवं भंडार में क्या है, एकाधिकार। तो पहले बता दिया आपको लेड में और जस्ता में दोनों में क्या है, एकाधिकार है इसका। करा यहां भीलवाड़ा हो गया, अलवर हो गया, जावर हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, राजसमंद हो गया, ये सभी सबसे प्रमुख स्थान है जहां पर ये जस्ता पाया जाता है। करा जस्ता प्राय औसादी शैलों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो आपको यहां थोड़ा सा ध्यान देना है, वहां पर हमने पढ़ा प्री कैम्ब्रियन और विंध्य, ठीक है, और यहां पर क्या हम पढ़ रहे हैं, देखिए यहां पर देखिए ध्यान दीजिए, एक मिनट बैक करके आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए प्री कैम्ब्रियन और विंध्य शैलों में क्या पाया जाता है, लेड पाया जाता है, जबकि औसादी शैलों में क्या पाया जाता है, याद रखिए वहां पर जस्ता होता है। करा इसका प्रमुख उपयोग क्या होता है, तो याद रखिए लोहे को जंगरोधी बनाने और लोहे के ऊपर पॉलिश करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अरे भाई पढ़ाया था आपको, इसी को तो बोलते हैं यसद लेपन, क्या कहा जाता है, यसद लेपन कहा जाता है, ठीक है। या आप थोड़ा सा और नॉर्मल भाषा में देखेंगे तो जस्तीकरण कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जस्तीकरण। इंग्लिश में पूछेंगे तो गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। तो सभी तथ्य आप याद रखो, सब केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा आपको, आप जाके देखिए। अच्छा आप सभी को पता है कि नहीं, स्टडी 91 पर सभी विषय को डिटेल से पढ़ाया जाता है। जी हां, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, जितने भी विषय हैं सभी विषय इसी तरह से डीपली पढ़ाया गया। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो बेशक आपकी तैयारी घर बैठे सबसे बेहतर हो पाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। करा राजस्थान में वो क्षेत्र मैंने आपको बता दिया, जावर हो गया,
उदयपुर में हो गया, भीलवाड़ा में हो गया, अगुचा, रामपुरा हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, ये सभी राजस्थान के फेमस क्षेत्र हैं जहां से जिंक उत्पादन किया जाता है। उसी तरह से तमिलनाडु में है दक्षिणी अर्काट, वहां से भी जिंक उत्पादन होता है, और जम्मू कश्मीर में उधमपुर है वहां से भी होता है, लेकिन सबसे मेन है राजस्थान, तो उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और ग्रेफाइट के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। कई लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है ग्रेनाइट और ग्रेफाइट में, बड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है, तो चलिए उनके कंफ्यूजन को भी दूर किया जाता है। देखिए ग्रेफाइट के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, फाइट यानी फाइट करना, लड़ाई करना, ठीक है। तो याद रखिए ग्रेफाइट जो होता है ये खास करके आग्नेय और रूपांतरित, याद रखिए रूपांतरित को ही कायांतरित कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अगर चट्टान वाला वीडियो नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, रॉक्स का एक चैप्टर मैंने बनाया है, आई थिंक वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने पढ़ा है, इंडियन ज्योग्राफी का वो सब्जेक्ट नहीं, टॉपिक नहीं, ठीक है, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने पढ़ा है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के वीडियो में जाके देखिए आपको समझ में आ जाएगा। लिख रहा आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों में यह ग्रेफाइट पाया जाता है, यह क्रिस्टलीय कार्बन की संरचना में पाया जाता है, इसको ब्लैक लेड भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो रंग होता है वो काला होता है। इसके अलावा क्योंकि यहां पर कार्बन का क्रिस्टलीय रूप कहा गया, इसका मतलब हिंदी में उसी को कहेंगे कार्बन का अपरूप होता है। यह ग्रेफाइट क्या होता है, यह कार्बन का अपरूप होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। खरा इसका उपयोग पेंसिल की लीड बनाने में किया जाता है, पेंसिल के अंदर जो काला वाला हिस्सा होता है जिससे आप लिखते हो, वो जो होती है ना, वो याद रखेगा किससे बना होता है, वो ग्रेफाइट से बना होता है, ठीक है। आप हमेशा उसके साथ फाइट करते हो भाई, निकाल देते हो, तोड़ देते हो ना, फाइट, तो याद रखेगा। कर परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में भी ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है, किसके रूप में, मंदक के रूप में भी किया जाता है। इसके अलावा D2O का नाम सुना होगा ना, ठीक है, तो याद रखेगा भारी जल, ठीक है, ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड। आगे देखिए, करा तमिलनाडु में मदुरई है, मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है, याद रखिएगा मदुरई में भी ग्रेफाइट पाया जाता है। इसके अलावा झारखंड में पलामू जिला सबसे फेमस है और लातेहार, ठीक है, यहां पर पाया जाता है। उड़ीसा में कालाहांडी, बालगीर, गंजाम और कोटापुर, दोस्तों ये सभी जिले आपसे को मैच कर रहे होंगे किससे, आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था किसके बारे में, बॉक्साइट के बारे में, सॉरी मैग्नीज के बारे में और लौह अयस्क के बारे में, ये सभी लौह अयस्क और मैग्नीज से मैच करने वाले हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। राजस्थान में जयपुर, अजमेर, अलवर और बांसवाड़ा, ये हैं। उसी तरह से बैतूल कहां पर है, मध्य प्रदेश में, जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में ग्रेफाइट पाया जाता है, तो याद रखिएगा। अगला दोस्तों जिप्सम, ठीक है, जिप्सम का इस्तेमाल कहां होता है, आप सभी जानते होंगे जिप्सम, जल्दी से बताइए, जिप्सम सीमेंट उद्योग में इसका इस्तेमाल होता है। लिख रहा है यह चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और सैल चट्टानों में पाया जाता है। इसमें कैल्शियम हाइड्रेटेड सल्फाइड होता है, कैल्शियम का हाइड्रेटेड सल्फाइड होता है, जिसको याद रखेगा जिप्सम में कैल्शियम का हाइड्रेटेड सल्फाइड होता है। करा इसका उपयोग अमोनियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक और सीमेंट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल दो जगह पर होता है, या तो सीमेंट बनाने में या रासायनिक उर्वरक बनाने में, ठीक है, ये दो जगह पे ज्यादा होता है। राजस्थान में नागौर जिला है, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था से स्टार्ट किया गया था ना, याद रखिएगा। नागौर हो गया, बीकानेर हो गया, बाड़मेर हो गया, जैसलमेर हो गया, ये सभी पश्चिमी राजस्थान में है, ध्यान दीजिएगा पश्चिमी राजस्थान में, तो जिप्सम वहीं पे है। जोधपुर हो गया, श्रीगंगानगर हो गया, तो ये सभी आप याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में सिरमौर है, कांगड़ा है, शिमला है, जहां पर क्या पाया जाता है, याद रखिए जिप्सम पाया जाता है। महाराष्ट्र में कोल्हापुर हो गया, कर्नाटक में बेलगांव और गुलबर्गा हो गया, उत्तर प्रदेश में झांसी और हमीरपुर हो गया, तमिलनाडु में कोयंबटूर और तिरुचिरापल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर में उरी हो गया, बारामूला हो गया और डोडा हो गया, ये सभी वो स्थान है। देखिए आपके मन में आता भी होगा सर इसको कैसे याद किया जाए, देखिए आप इसके थीम के बारे में याद रखिए और एक मोटी मोटा स्टडी करके रखिए, जब एग्जाम आता है ना तो कम से कम मिनरल रिसोर्सेज और एनर्जी रिसोर्सेज इनको एक बार आपको रिपीट करना पड़ेगा, ये हमेशा के लिए याद नहीं हो सकता, ठीक है, कि कोई फार्मूला है कोई आपको याद करा दे, क्योंकि याद करके करोगे क्या, एग्जाम टाइम में आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा, तो आप एक बार पढ़े रहोगे बाद में रिवीजन करोगे तो सारी की सारी चीजें अपने आप आपको समझ में आ जाएंगी। और वैसे भी आज मैं अभी आपको ऐसे पढ़ा रहा हूं, कल दोस्तों मैं क्या करूंगा ना, मतलब इसके बाद जो मैं सीरीज लेके आऊंगा उसमें क्या करूंगा, तो कि जितने भी मिनरल रिसोर्स थे उनको एक साथ कलेक्ट करके पढ़ा दूंगा, उसीलिए आज मैं जो है यहां पर अलग अलग नहीं बता रहा हूं कि भाई उत्पादन में भंडार में किसका स्थान, मैंने सोचा इसका
एक स्पेशल वीडियो बना देता हूं ताकि एग्जाम टाइम में आपको रिवीजन करने में आसान रहे। जब वाला पॉइंट बनाऊंगा ना तो बस खाली इतना बताऊंगा कि तांबा के उत्पादन में ये और भंडार में ये, ठीक है, विश्व में ये देश है और ये देश है, तो ऐसे करके आपको बता दूंगा। भी एक स्पेशल वीडियो होगा, एक मास्टर वीडियो होगा ताकि एग्जाम टाइम में आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो पाए। आगे देखिए, चूना पत्थर बोल रहा है। चूना पत्थर को दोस्तों इंग्लिश में लाइमस्टोन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? लाइमस्टोन कहा जाता है। खरा चूना पत्थर गोंडवाना को छोड़ करके, गोंडवाना शैलक्रम को छोड़ करके जावसादी शैलक्रमों में पाया जाता है, खास करके कुडप्पा वाले में, बताया था आपको, ठीक है, कुडप्पा और बिंध शैलों में पाया जाता है। खरा इसके उपयोग का 75% उपयोग कहाँ होता है? सीमेंट उद्योग में सबसे ज्यादा इस चूना पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा 16% कहाँ होता है? इस्पात उद्योग में हो जाता है। खरा शेष कहाँ पर होता है? तो कागज के कारखाने हैं, चीनी के कारखाने हैं, उर्वरक के कारखाने हैं, कांच है, रबड़ है, इन सभी उद्योग में भी चूने पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। करा उत्तर प्रदेश में, सॉरी आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक चूना पत्थर का भंडार पाया जाता है। सबसे ज्यादा चूना पत्थर का भंडार कहां पर है? तो याद रखिए आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश किस में आगे था? तो याद रखिए अभ्रक में आगे था, ठीक है। करा राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में भी चूना पत्थर के भंडार पाए जाते हैं, खास करके दक्षिण भारत वाला एरिया इन सब में आगे रहता है, ठीक है। करा आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, कृष्णा हो गया, गुंटूर हो गया, कुरनूल हो गया, ये सभी जगह चूना पत्थर के लिए फेमस है। उसी तरह से तमिलनाडु में रामनाथपुरम हो गया, तिरुनल वेली हो गया, तिरुचिरापल्ली हो गया, सेलम हो गया, और क्या हो गया, कोयम्बटूर हो गया, मदुरई हो गया, तंजावुर हो गया, तंजावुर का मंदिर का नाम सुना है ना, याद रखेगा। मध्य प्रदेश में बालाघाट हो गया, जबलपुर हो गया, सतना, बैतूल हो गया, सागर हो गया, और क्या हो गया, कटनी हो गया, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, बस्तर और रायपुर हो गया, ये सभी वो स्थान है जहां पर चूना पत्थर के भंडार पाए जाते हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि आपको एक मोटी मोटा स्टडी करके रखना है, वन टाइम आपको स्टडी तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिए। इसी तरह से चूना पत्थर बहुत सारे जगह पे, जहां जहां बिंध्य और कुडप्पा क्रम की शैलें हैं वहां वहां पर पाई जाती हैं। तो कर्नाटक में भी है, बीजापुर, बेलगांव, सिमोगा, गुलबर्गा है। राजस्थान में भी अजमेर, बीकापुर, जोधपुर, कोटा, सिरोही, बूंदी, अलवर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ हो गया, नागौर हो गया, झुंझुनू हो गया, उदयपुर हो गया, इन सभी स्थानों पर क्या है, बिंध्य और कुडप्पा क्रम की चट्टानों का थोड़ा बहुत विस्तार है, तो थोड़े बहुत मात्रा में हर जगह है। गुजरात में भी बनासकांठा, जूनागढ़, खेड़ा और पंचमहल और साबरकांठा में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सोना, चांदी और हीरा के बारे में भी लगे हाथ हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि काफी क्वेश्चन यहां से भी आते हैं। लेकिन अब भारत में सोना संरचना की शैलें एवं नदियों के बालू में प्लेसर निक्षेप के रूप में पाई जाती है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि किस रूप में पाई जाती है, तो क्या बताएंगे, एक सेकेंड, ओहो परीक्षा ले रहा है ये भी, हाँ चलो, तो याद रखिए बालू में अक्सर करके प्लेसर निक्षेप के रूप में पाई जाती हैं। तो एक तो आपने कोलार की खान वगैरह का नाम सुना होगा, जहां पर सोने की खान है, ठीक है। दूसरा आपने सुना होगा कि नदियों के किनारे भी कई बार जो है इस तरह की चीजें मिलती हैं, जैसे पुराने जमाने में, प्राचीन काल में सोन नदी का नाम इसलिए सोन पड़ा क्योंकि उस नदी के बालू में सोने के महीन दाने पाए जाते थे। ये रियल स्टोरी है, ठीक है, इसीलिए उसका नाम क्या बन गया, सोन नदी हो गया, ठीक है। इसी तरह से स्वर्णरेखा नदी भी है, उसकी भी एक अपनी कहानी है, ठीक है। सब किंवदंतियां हैं, आप ये भी कह सकते हो, आज के जमाने में नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। हाँ, हीरा वगैरह में पन्ना है, पन्ना पड़ता है राजस्थान, मध्य प्रदेश में, वो बड़ा फेमस है हीरे के लिए, तो इसको याद रखिएगा, प्लेसर निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। भारत में सोना मुख्यतः कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा सोना पाया जाता है। कर्नाटक में या कोलार की खान में पाया जाता है, चैंपियन रीप में पाया जाता है, रायचूर जिले के हट्टी क्षेत्र में पाया जाता है। उसी तरीके से आंध्र प्रदेश की बात करूं तो अनंतपुर, चित्तूर क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में, जैसे जहां पर स्वर्ण रेखा नदी वगैरह है उसकी घाटी वाले क्षेत्र में भी सोने के कई बार कड़ पाए जाते हैं। तो बाकी ये सब याद रखिए, ठीक है। कर्नाटक में कोलार और रायचूर बड़ा फेमस है, ठीक है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर फेमस है और झारखंड में स्वर्णरेखा नदी जो है वो बड़ा फेमस है, तो ये सभी तथ्यों को आप याद रखिएगा। चांदी की बात करें, सिल्वर की, तो याद रखिए आमतौर पर चांदी, जस्ता, सीसा एवं तांबे बनाने वाले
उत्पादक क्षेत्रों में मिक्स रूप में पाया जाता है। अब आप सभी को पता है कि सीसा, जस्ता और तांबा तीनों में राजस्थान आगे है, तो चांदी भी वहां मिलता है, या जहां जहां पर जस्ता तांबा और सीसा पाए जाते हैं वहां वहां पर चांदी के निक्षेप भी देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार लिख रहा है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड में चांदी के पर्याप्त भंडार हैं। ठीक है, इसके प्रमुख अयस्क में अर्जेंटाइट अयस्क है, जैसे बॉक्साइट होता है किसका बताइए, बॉक्साइट होता है एल्युमिनियम का, उसी प्रकार ये है अर्जेंटाइट, तो याद रखेगा, पायरा जायराइट है, ठीक है, और हार्न सिल्वर, इसमें से हार्न सिल्वर सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, ये सब सिल्वर के अयस्क हैं। करा भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन कहां से होता है, राजस्थान से। तो जस्ता हो गया, लेड हो गया, लेड यानी सीसा हो गया, और चांदी हो गया, तीन चीज के उत्पादन में तो राजस्थान आगे हो गया। और आंध्र प्रदेश किसमें हो गया, तो याद रखिए जिप्सम हो गया, सॉरी चूना पत्थर हो गया, और आपका अब्रक हो गया, इसमें जो है राजस्थान आगे हो गया। तो इसी तरह से धीरे धीरे आप तथ्य बनाओगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। लिख रहा उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में जस्ता की खाने जहां पर है वो चांदी उत्पादन के लिए भी फेमस है। उसी तरह से कर्नाटक में चित्रदुर्ग और बेल्लारी का नाम तो सुना होगा, बेल्लारी में सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट पाया जाता है लौह अयस्क के खदानों का, तो वहां पर याद रखिए जस्ता का भी है और चांदी का भी है। करा आंध्र प्रदेश में कुडप्पा है, गुंटूर है, कुरनूल है, राजस्थान का जावर क्षेत्र हो गया, उत्तराखंड का अल्मोड़ा हो गया, जहां पर ये पाए जाते हैं। हीरा की बात भी लगे हाथ कर लेते हैं। कह रहा है हीरा जो होता है ये कार्बन का सबसे शुद्ध अपरूप माना जाता है। हीरा क्या है, कार्बन का सबसे शुद्ध अपरूप माना जाता है। कह रहा है इसका निर्माण पृथ्वी की आंतरिक परतों में अत्यधिक ताप एवं दाब के प्रभाव से होता है। ताप एवं दाब के प्रभाव से हीरे का निर्माण होता है। हीरा अक्सर कोयले की खानों में पाया जाता है। कह रहा है हीरे, काले हीरे का उपयोग कांच काटने, जमा चट्टानों में छेद करने इत्यादि कार्यों में किया जाता है। मध्य प्रदेश का पन्ना फेमस है, उसी तरह से आंध्र प्रदेश का गोलकुंडा फेमस है। क्या है, गोलकुंडा। गोलकुंडा में ही कोहिनूर हीरा पाया गया था, उसको भी याद रखेगा। और छत्तीसगढ़ का रायपुर और गरियाबंद फेमस है, इसको आप ध्यान रखेगा। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। देखिए खनिज संसाधन में मैं बहुत बड़ा वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूं क्योंकि यहां पर ज्यादातर चीजें आपको याद रखनी पड़ती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं हिसाब किताब में थोड़ा सा पढ़ाया जाए, क्योंकि बाकी के वीडियो होते हैं तो मैं एक वीडियो में पूरा का पूरा एक टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं, चाहे वीडियो आपका कितना भी लंबा चला जाए, ठीक है। लेकिन खनिज संसाधन में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि आपके ऊपर से कोई चीजें बाउंस न कर जाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मजा तो आया होगा, बिल्कुल आया होगा, ठीक है। आप घर बैठे आराम से तैयारी करिए। देखिए 2 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो गए, अब तो आपको बिलीव हो गया होगा कि वाकई इस चैनल पे दम है, ठीक है। दम नहीं होता तो 20 लाख लोग भरोसा नहीं करते, ठीक है। अब भरोसा करते हैं तो मैं भी भरोसे को कभी तोड़ने नहीं दूंगा, ठीक है, टूटने नहीं दूंगा। मैं मेहनत करके इसी तरह से आपको अच्छे अच्छे कंटेंट भी देते रहूंगा, और कोशिश हमारी यही है कि आप सभी जो भी अपने जहां तक जाना चाहते हो, जो भी अपना ख्वाब बनाए हैं, जो आपके सपने हैं, उसको साकार करने में स्टडी 91 थोड़ी सी आपकी मदद करना चाहता है, ताकि आप अपने सपनों को साकार कर पाएं। तो अगर आप हमारा साथ देंगे, हम आपका साथ देंगे, तो बेशक रूप से हम भी आगे बढ़ेंगे और आप भी आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों बस निवेदन यह है कि आप अगर किसी भी तरह के सोशल मीडिया पेज से जुड़े हो तो वहां पर स्टडी 91 को शेयर किया करिए, लोगों को बताइए कि लोग आके इस चैनल से जुड़े और बेहतर ढंग से अपनी स्टडी कर पाए, ठीक है। एप्लीकेशन भी दोस्तों आप लोग इंस्टॉल करिए। एप्लीकेशन को लेकर के आप लोगों का रिस्पांस थोड़ा सा कम आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है एप्लीकेशन आप सभी को पसंद नहीं आया, ऐसा है क्या? क्योंकि एप्लीकेशन में बहुत सारी चीजें हैं। होता क्या, जैसे वेद होता है ना, तो वेद में ज्ञान की ऐसी बातें लिखी हूँ हर किसी के समझ में नहीं आता, ठीक है, लेकिन उसके अंदर पर्याप्त ज्ञान है। दोस्तों मैं इसके बारे में समय नहीं निकाल पा रहा हूं कि मैं आपको बता पाऊं कि इस एप्लीकेशन के अंदर आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। जिस दिन मैं बताया ना, उस दिन आपकी तैयारी वैसे ही मजबूत हो जाएगी, मजा आ जाएगा आपको देख करके कि इतनी बेहतरीन चीजें यहां पर दी गई हैं, शायद उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से आप जुड़ते रहिए, अपना लाड प्यार बनाए रखिए, वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। और आज आपके लिए एक मोटिवेशन वीडियो भी मैं लेकर आया हूं, ठीक है। अभिषेक जैन जी जो IITian हैं और प्रोफेसर भी हैं और बहुत अच्छे ऑथर भी हैं, ठीक है, उनके द्वारा मोटिवेशन का एक लेक्चर दिया गया है जिसमें ये बताया गया है कि आप कैसे स्मार्ट स्टडी करें, ठीक है। यानी स्मार्ट स्टडी जो बात आती है, आपने गोल की बात आ गई कि कैसे हम अपने गोल को अचीव करें। जैसे दुनिया बोलती है ना कि गोल अचीव ऐसे करो वैसे करो, तो क्या आप क्या सच में कैसे करते हैं, इसकी प्लानिंग कैसे होनी चाहिए। तो ज्यादा नहीं दोस्तों, 7 से 8 मिनट का एक मोटिवेशनल लेक्चर होगा, उसको अगर आप देखेंगे तो बेशक आपकी तैयारी, मतलब मजा आ जाएगा आपको देख करके, अगर आपने उस चीज को फॉलो किया ना। देखिए बताना बड़ी
बड़ी बात नहीं है, फॉलो करना बड़ी बात है। पढ़ाने के लिए हम भी सब कुछ पढ़ा देते हैं, बट कितने लोग हैं जो मेहनत से इस चीज को पढ़ रहे हैं, राइट डाउन कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया से टेस्ट दे रहे हैं? बहुत कम लोग ऐसे होंगे, शायद सैकड़े में होंगे। नंबर है 20 लाख, इसमें से मुझे लगता है सैकड़े में लोग होंगे, सैकड़े से ज्यादा लोग नहीं होंगे जो अच्छे से पूरा का पूरा वीडियो देखते होंगे, बढ़िया से उसको राइट डाउन करते होंगे, लिखते होंगे, बढ़िया से तथ्यों को समझते होंगे। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, और सच में जो ऐसा करते हैं ना, रियल में वही सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, विश्वास मानो या ना मानो, एक बार आप वीडियो जरूर से देखेगा, लाइक जरूर से करिएगा, क्योंकि इस तरह के अच्छे वीडियोस मैं आपके सामने लाता रहूंगा अगर आप अपना लाड प्यार बनाए रखेंगे तो। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।